गाइज आज के लिए आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज भी बता देती हूँ मैं, सरप्राइज क्या है, एक अच्छी बात। पर मम्मा नाम काव्य के पैर से पवाएगी जी गोल्ड लिखा है। यू साइड कर दे यहाँ, देखते हैं सिलने के बाद कैसा लगता है। इसलिए मैं उधर तो मैं सिलाई करती नहीं हूँ ससुराल में, यहीं पे आके करती हूँ क्योंकि उधर थोड़ा सा मुझे काम की टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि हेलो व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस सुबह का टाइम हो गया है और मम्मी ने इधर अपना पैक सेक लेना स्टार्ट कर दिया है। अभी क्या लोग आप यार, यो है जैतून का सिरका, किस काम आता है ये, शुगर का खट्टा बोलते हैं। हाँ मैंने पी के देखा ये क्या करें, मजबूरी में पीना पड़ता है। मम्मी ले रही है पैग शैग और हिमांशु को भी टेस्ट में ये अच्छा लगा क्योंकि मम्मी ने जिस दिन पहले दिन आए थे उस दिन पिलाया था उनको। गाइज आज के लिए आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, सरप्राइज भी बता देती हूँ मैं, सरप्राइज क्या है, एक अच्छी बात है जो मैं आपको बता देती हूँ। अंकित भाई ने गाड़ी ले ली है वो जो कि उन्होंने NDPL में कंपनी में ही लगाई है इधर, तो आज वो गाड़ी घर पे लेके आएंगे सेल करवाने के लिए, काबू से सेल करवाएंगे। देखते हैं मम्मी हमें गिफ्ट में क्या देती है। वैसे मम्मी ने मेरे को एक गिफ्ट दे दिया है लेकिन ये मैं मम्मी को वापस गिफ्ट कर दूंगी जाते टाइम। अब देखते हैं मम्मी मेरे को क्या गिफ्ट करेगी, क्या देगी मुझे। तेरे भाई देगा, मैं क्यों दूंगी, मुन्ने की गाड़ी चलानी है। तो गाइस अंकित आज गाड़ी घर पे लेके आएगा फाइनली, हम आए हुए तीन दिन से बोल रहा है, काव्या नाम लिखवा चुका है, तीन दिन से बोल रहा है वो आज लाऊंगा। एक्चुअल में क्या है उसका, वो काम करवा रहा है क्योंकि वो थोड़े से दूसरे टाइप की थी, उसको दूसरे टाइप का बनाया क्योंकि NDPL के टाइप की उस गाड़ी को बनाना पड़ा है, पेंट वगैरह सारी चीजें उसी तरीके से करवाई है। गाइस इधर मैं सब्जियां ले आई हूँ, आज खाने बन रहा है मिक्स वेज जो कि मेरे पापा को बहुत पसंद है, बट मैं बनाऊंगी, देखते हैं आज पसंद आती है या नहीं आती है। ठीक है मैं आ जाएगी मेरी बनाई और देखेंगे भाई। पर मम्मा नाम काव्य के पैर से पवाएगी जी गोल्ड लिखा है। जेरी मम्मा यहाँ पर टायर ऊपर पानी डालते हुए, मम्मा गाड़ी लाए यहाँ पर, मम्मी का पैर नाली में दस्ते हुए, कुछ बोलता नहीं गाइस, ना बोलता गाइस, मांजू तमीज तरह है। यो भी फेर करवाऊंगा, यो भी फेर करवाऊंगा, मेरे भी लग गया टीका, ये भी पेठा भी ना पाया दुकान पर, मैं तो दूं मैं अगर बैग कर देना तो पड़ेगा, तेरे पड़ेगा भाई, मैं 1 रुपया भी ना दूं खाली ना करो, वो बनेगा ना सर, ये तो नू बनेगा, बताओ बताइए सुदेश, नू 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 आ गया समझ में, ना बता दी मैंने इससे इतना दे। यू साइड कर दे यहाँ, यू पर दे हम और फिर मैं तो गाइस यहाँ पर थोड़ी नहीं चला गया, चल कोई बात नहीं, मैं टिकट ही लगा दे, उल्टा सा नहीं लग गया सुदेश, मैं तो सीधा ही यही तो बना रही हूँ, ये ऊपर होगा या नीचे होगा, सही तो है, सही कर दिया मम्मा, थोड़ा सा नीचे और लेना था ना, मम्मा मिला के ले लिया, हां ऐसा कर दे रहा हूं लंबे, ये तो कर दिया, चल कभी फिर हो जाए बराबर में कर दे मां, हाय इतनी मां ये लग गई ना मां, शांत ये है गलत तो खा ले तेरी मम्मी की, तो शक्ल ले ले भाई तुम्हारी, ठीक बन गया मम्मी, पर माँ अपने मामा चुप चुप के देख रहे क्या क्या दुकान से मिलाओगे लाडू। मम्मा भी सत्या बना रही है, अभी सत्या ठीक है।
ओम बना रही हूँ मम्मा, ये सत्या तो बना दिया, ओम बना रही हूँ। गाइस सूख भी गया देखो, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा ये खिड़की कटवाई है ना, ये कटवा के ना हवा हवा लगेगी ना, अंदर बैठेंगे ना जो है। हाँ हाँ बीट टमाटर लगा पीछे कर उसको, इस साइड भी यहाँ पर भी ओम बनेगा, अभी वहाँ पर बन चुका है। गाड़ी की सब कुछ करके आ गए हैं हम लोग, जो होता है ना वो सतिया वगैरह बना के, ओम वगैरह बना के सारी चीजें करके मैं आ गई थी घर पे। और आने के बाद मैंने चेंज भी कर लिया है, घर के कपड़े पहन लिए हैं। गाइस अभी मैं कर रही हूँ अपना सूट स्टिच, एक्चुअल में मैं किसी और का स्टिच किया हुआ ज़्यादा पहनती नहीं हूँ कपड़े, क्योंकि मुझे पसंद कम आते हैं किसी के स्टिच किए हुए। तो गाइस मैं अभी कर रही हूँ अपना सूट स्टिच करने के साथ आप सभी को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप सभी के साथ मैंने अपना सूट किस तरीके से और कैसा स्टिच किया है। मैं अभी जो स्टिच सूट स्टिच कर रही हूँ, अभी बाजू तो मैंने सोचा नहीं है क्या करूँगी, और सूट मैंने सोच लिया कि मैंने कैसा बनाना है। तो ऊंचा सूट सोच रही हूँ मैं और हैवी सलवार सोच रही हूँ, तो अभी मैं वो बना लेती हूँ। पहले तैयारी कर रही हूँ अभी वो बनाने की, तो गाइस अभी मैं बना लेती हूँ सूट, देखते हैं सिलने के बाद कैसा लगता है। इसलिए मैं उधर तो मैं सिलाई करती नहीं हूँ ससुराल में, यहीं पे आके करती हूँ, क्योंकि उधर थोड़ा सा मुझे काम की टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि अभी ये करना है अभी ये करना है, इधर मुझे नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है कि यही होता है रोटियाँ लेट भी हो गई हैं थोड़ी बहुत खाना वगैरह, तो मम्मा अपने आप ही कर लेती है सारी चीज़ें, कुछ जो मेरा मन करता है मैं सिर्फ यहाँ पर वो काम करती हूँ, बाकी सारा इधर मम्मी ही कर लेती हैं, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती। अभी 4 बजने को आई और अभी मैं लेके सूट को बैठ गई, अब देखना मैं कितने बजे उठूँगी या नहीं उठूँगी। मेरा ऐसा ही है कि मैं रात को कई बार होता है कि मैं लेट तक भी लगी रहती हूँ अपनी मशीन में। तो कहते हैं मैं फटाफट से अपना सूट कट गया, अभी कर लेती हूँ स्टिच। लकड़ी हो मैं बनाऊँगी तो रोटी, चल इस आटे की खा लेगी, चलो ठीक है। तो गाइस मम्मी जा रही है गुड़गांव माता धोगने के लिए, हम सब घर पे ही हैं। तो आज के व्लॉग को कर देते हैं हम यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे भी से कल सुबह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड लक गुड नाइट। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। बाय बाय।